नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। आज की वीडियो में जो बात करनी है वो है एक बड़ी ही प्रचलित विधा के बारे में, जिसे बोलते हैं ऑल ऑन फोर, या एक या दो घंटे में दांत लग जाने का। तो माजरा यूँ है कि हमारे एक मित्र हैं अमार साहब, जो कि भदोही में रहते हैं, और उनको उनके पिताजी का डेंचर हमने निकालने लगाने वाला बहुत पहले बनाया था, और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत रहता है। और एक दिन उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, कुछ भी करिए, पिताजी को एकदम फिक्स दांतों से खाना खिलाना है। इन दांतों से वो खाना खा नहीं पा रहे हैं, और खाना नहीं खाने की वजह से स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, और चिड़चिड़ापन भी रहता है, और पेट भी साफ नहीं होता है। तो हमने कहा ठीक है साहब, आप ले आइए। बोले डॉक्टर साहब, कितने दिन समय लगेगा? हम बोले 2 घंटे में सारा काम हो जाएगा। बोले 2 घंटे में हो जाएगा? बोले हाँ, हो जाएगा। खैर, बात आई और गई हो गई। अचानक एक दिन 8 अक्टूबर को अमर साहब बोले कि साहब, हम 2 घंटे में आपके पास आ रहे हैं। बोले अरे, उस दिन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य करने का मन था नहीं, क्योंकि हमारे साहबजादे अर्जुन सिंह जी का जन्मदिन भी था। तो लेकिन खैर, वो भी पिता पुत्र का प्रेम था, और मेरे हिसाब से अगर कोई लड़का अपने पिता को सबसे बड़ा गिफ्ट इस उम्र में दे सकता है, तो वो है कि अपने दांतों से चबा के खाना, जो कि असली की तरह फिक्स हो। तो उनके प्रेम के आगे खैर, उनका आशीर्वाद हमें भी मिला और हमारे बच्चे को भी मिला, और अमार साहब आए, केस हुआ, और बड़े सक्सेसफुली गए। तो उस पूरे केस की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको इम्प्लांट को लेके बहुत अलग अलग संभावनाएं और बहुत चीज़ें होती हैं, जिन सेंटर्स पे बहुत सुविधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। तो हमारी डेंटिस्ट्री में एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है, कट, करप्ट या कन्फ्यूज। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। उनके लिए ये है, अगर आपके जो डेंटिस्ट हैं वो इस विधा में पारंगत हैं, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं, तो उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे डेंटिस्ट को पकड़ें और उनसे अपने पेरेंट्स को खाने पीने के लिए उपयुक्त बनाएं। ये इस कामना के साथ ये वीडियो का आप मजा लें, और अगर पसंद आया हो तो उसको अपने और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस आती रहेंगी। तो एंजॉय करिए इस केस को, जिसको बोलते हैं ऑल ऑन फोर। अच्छा, एक बात और कहनी थी कि इस पूरे वीडियो में जो है कि वो मरीज के अपने शब्द हैं, उनके अटेंडेंट के अपने शब्द हैं, पूरी सर्जरी जो है 1 से 1.5 घंटे में सारा काम हो गया। उनके जो सर्जिकल फेज थे, जिसमें 4 इम्प्लांट लगने थे, और जो 4 इम्प्लांट थे वो आधे घंटे के अंदर चारों, 20 मिनट से 30 मिनट लगे होंगे, चारों इम्प्लांट लग गए, TMA लग गए, और फिर उसके बाद आधे घंटे के से 1 घंटे के अंदर उनके सारे फिक्स दांत लग गए, जो कि चेयर साइड हमारी क्लिनिक में ही सारी सुविधाएं हैं, वहीं पे सारी प्रोस्थेसिस बन गई। तो दैट्स इट, आगे ये केस देखिए। सो वी आर हियर, अमार साहब हैं हमारे मित्र, इनके पिताजी का अभी ऑल ऑन फोर होने जा रहा है। अमार साहब, टाइम नोट करिए, ठीक है, विल एज सुन एज पॉसिबल इसको करके, और फिर आप खुद बताएंगे कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है? डन, ओके। कितना हो रहा है? अभी हो रहा है 352। ओके, जस्ट गोइंग टू टेक अ इंप्रेशन फॉर द मेकिंग ऑफ द होल। चाचा जी मुंह खोलिए, बहुत बढ़िया। सी, दिस इज द ओल्ड डर्मिस, नाउ वी आर ऑन द कन्वर्जन प्रोसीजर। ओके, सो इंप्रेशंस ऑफ द हीलिंग स्क्रू इज हियर, मुंह खोलिए। अब नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्रोस्थेटिक पार्ट, अभी इनके सारे कन्वर्ट करके फिक्स टीथ लगेंगे, ठीक है साहब? बैठे, अभी वो भी 1/2 आवर में खत्म हो जाएगा। से डन ओवर देयर। थैंक यू। सर्जिकल प्रोस्थेटिक पार्ट भी इनिशिएटेड, हम लोग प्रोस्थेटिक पार्ट करेंगे। तब तक आप रुक नहीं जाएंगे, फोन नंबर से बैठे रहिए, बैठे रहिए, ठीक है चाचा जी? हाँ, दर्द तो नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं, थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है, सुन। हाँ हाँ, हाँ वो सुन है, अभी आप एक्सरे करा के आएंगे, तब तक हम लोग इनका दांत बनाते हैं, ठीक है? ओके, सो दिस इज द कन्वर्जन, फाइनलाइज कन्वर्जन प्रोसेसेस,
and just see, that should be convex from all the surfaces and bright shiny surface, because that cannot be lead, that should not be lead to be future fluid food accumulation and that infection in the mucosa. That should be convex from all the surface. Thank you. आपके दांत मिलाइए, खोलिए, बंद करिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और पसंद आया हो तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में बांटिए, घंटा बजा दीजिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज के साथ। ये मैसेज भी इस तरह के मैसेज शेयर करिए जिससे किसी समाज में फ़ायदा हो, लोगों को, ज़रूरतमंदों तक आप पहुँचें। आने वाले समय में जल्द ही एक वीडियो आएगी जिसमें मैं अपने नए डेंटिस्ट साथियों से बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे दोस्त आते हैं, उनके क्वेश्चंस, उनके सवालात की हमें लगता है कि एक ग्रुप को, एक समूह को संबोधित करना और उनसे बातें करना बहुत जरूरी है। तो उस वीडियो को पाना हो तो उसके लिए भी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। यहां तक साथ देने के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।